तो गाइस हाँ तो दोस्तों लाइव स्ट्रीम ढंग से होने रही थी तो हम लाइव वीडियो लाइव स्ट्रीम में थोड़ा ब्लरीनेस आ रहा था। अब आपको ब्रीफ कर दे कि इंडिया ने पहले बॉलिंग करी, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी, तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को टारगेट दिया 220 रन का। ये ट्राई करते करते मैं चार बॉले अभी हमने पॉज कराया क्योंकि स्टार्ट हो रहा है मैच, एक बार डिस्कशन हो जाए कि क्या करना है। अभी हमें 220 रन चाहिए, हम इंडियन हैं और जॉय द ट्यूबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से पारी खेल रहे हैं। तो ये आप देख लोगे ऑस्ट्रेलिया ने 219 रन बनाए 7 विकेट के लॉस पे। मैक्सवेल ने आती सी पारी आखिरी में खेली तो ऑलमोस्ट 79 रन बनाए। एंड स्टीव स्मिथ ने गेम स्टार्टिंग में उन्होंने अच्छी बैटिंग करते हुए 55 रन का योगदान किया था। तो अगर मैं इंडियन टीम की बात करूं तो बेस्ट बॉलर चहल यूवी चहल 32 रन देके 3 विकेट, और ये तीनों विकेट हैट्रिक थी, ये एक हैट्रिक लिया। और अभी हम बात करते हैं इंडिया की बैटिंग की, तो इंडिया ने अभी एक विकेट अपना खो दिया है और रोहित शर्मा आउट हो गए थे। ट्रेविस हेड जिसने बैटिंग में तो कुछ नहीं किया बट बॉलिंग में एक चार ट्रेविस हेड हमेशा इंडिया के लिए एक गले की हड्डी की तरह बने रहेंगे, सर दर्द भी बने रहेंगे बिल्कुल। अभी अब बैटिंग कर रहे हैं कोहली और नैयर, और ट्रेविस हेड कोहली को आउट करने वाला। ये देखो कोहली बेबाक खेलेंगे आज, बेबाक खेलेंगे या पता नहीं बेबाक आउट होंगे। और ये बहुत ही बढ़िया इंटेंट दिखा दिया आपने कि हम पीछे नहीं है, 212 का लक्ष्य 220। और ये ओई, और ये पॉइंट की दिशा से ऊपर से खेलते हुए 4 रन। और हम जब बचपन में देखते थे ना तो FM पे आता था वो 4 रन कनेक्टिंग इंडिया BSNL चौका, तो अब वो काफी टाइम से मैंने नहीं देखा तो शायद वो कुछ और चेंज हो गया क्योंकि BSNL तो है ही नहीं भैया। अब नेथन लायन आ गया है, वो बताएगा क्या है। करुण नायर काउंटी क्रिकेट खेलते हुए, उनको पता है कंडीशंस का इन एंड आउट। यहाँ हरारे में काफी मैचेस खेले हैं उन्होंने और हरारे में आज हारेंगे भी। मिचेल स्टार्क जैसे कि हमने पहले बोला था अपने पास 100 है उनकी टेस्ट में, टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी सिर्फ दो ही लोगों की है इंडिया में, दो बार वीरेंद्र सहवाग और एक बार हमारे करुण नायर जी, और दिखा दिया उन्होंने क्या क्लास है उनकी। पर मैं बता दूं वो टेस्ट मैच था, ये अभी T10 है, 10-10 है। ओए बच गया, व्हाट अ डिलीवरी मैन। देखो मेरी थिंकिंग क्या है, हमें 220 का लक्ष्य है तो मतलब 22 रन आसपास हमें हर ओवर में चाहिए जो कि अचीवेबल है। देखो ये गेम है, क्रिकेट है, जीत हार तो नहीं रहेगी पर इसमें हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। अब अगर हम पर ये हम पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हैं पर आपको बताएं कि हम पिछले 2 साल से खेल रहे हैं ये वाला गेम हर मंडे को, और 50-50 रहता है, कभी ऑस्ट्रेलिया जीती है 75 और 25 रहता है, 75% इंडिया हारती है, इंडिया हारती है और 25% ही ऑस्ट्रेलिया जीतती है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। और ये आप हमारी बातों पे लगे रहे, यहाँ करुण नायर जी ने 26 रन एक ओवर में खा लिए हैं, खा लिए मतलब खिला दिए हैं हमारे नेथन लायन जी को। कोई बात नहीं, 2 ओवर में 40 रन की ऑलमोस्ट बना दिए, बहुत ठीक है, ज्यादा पीछे नहीं है। ट्रेविस हेड और कोहली 400 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, इनको थोड़ी अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ानी पड़ेगी। कोहली नहीं बढ़ा सकते, कोहली में दिक्कत है और ये छक्का मार, ये देखो कोहली की दिक्कतें बता रहे थे वहीं इन्होंने कवर किए क्षेत्र में, कोई बात नहीं 6 रन। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। और ये आउट कोहली इज आउट। आपको इनके एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकता हूँ मैं अभी, आपको अपने अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कोहली जाते हुए बहुत बड़ा झटका लगाया। अब ये युवराज सिंह देखो 6 छक्के मार चुके हैं ये, और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये हेड जैसों को एक ओवर बचे और ये बच गए। अभी देखो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, टेल तक बैटिंग है, मतलब 9वें स्थान तक बैटिंग है हमारे पास,
तो हमें हर बॉल पे सिर्फ एक ही चीज देखनी है, वो है और ये आउट, ये टेल पकड़ी हमने, टेल पकड़ ली हमने, टेल से पकड़ के घुमा के फेंक दिया, ये कौन आउट हुआ? ओ करुण नायर, जिन्होंने 300 रन मारे थे 326 के रन पे जाते हुए। देखो अभी थोड़ा आपको मैं वीडियो दिखाऊं तो पूरी सेटिंग हिल जाएगी, पर दिखाऊंगा कि कैसे चेहरे पे हाथ आते हुए महेंद्र सिंह धोनी, धोनी मार रहा है, माही मार रहा है, the man, ये अभी हम लाइव पे नहीं है पर बता दूं, बट ये हम अभी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि उसमें वीडियो नहीं आ रही थी साफ। और ये डेडली कॉम्बिनेशन MS धोनी और युवराज सिंह, बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है इनके पार्टनरशिप का, और दे छक्के मारेंगे और ये मैच भारत के लिए लेके आएंगे। ज्यादा दूर नहीं है, हर बॉल पे चार रन ही चाहिए इनको बस। और ये कैच, मेरी गलती से कैच छूट गई यार, हिट और मिस। और ये हमारी बहन ऑर्डर देके गई है कि चिकन तुम ही बनाओगे, अगर भारत जीत गई है तो चिकन हम बनाएंगे, नहीं तो हम दाल खिचड़ी खाएंगे। दाल खिचड़ी तो नहीं खा सकते तो, क्योंकि इंडिया जीत सकती है, जीत सकती है, दूर नहीं है, एक अच्छा ओवर आपको। देखो ये पिच पे ऑस्ट्रेलिया ने रन किस के वाला ओवर चाहिए, मैक्सी वाला आउट है, और ये आउट, और ये आउट। युवराज सिंह जाते हुए, युवराज सिंह जिन्होंने दो वर्ल्ड कप जिताए थे वो 7 रन पे निपट गए। वो देखो पांड्या जी काफी ही अपने अंदर आक्रोश लेके आए हैं, और ये पहली बॉल पे 6 रन छक्का, यहाँ गेम 6 और विकेट की चल रही है, 38 बॉल पे 153 रन चाहिए। हार्दिक छक्का, मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसा मैच घूम जाएगा। ये एक्सो पटेल इज हियर, एक्सो पटेल, ये बापू, और ये 4 रन, अभी बापू आए, बापू गए भी होने वाला था, थोड़ा एवरेज को बढ़ा के चलना पड़ेगा इनको, थोड़ा सा लगता है स्पिनर ने जोर मारा है तो स्पिनर से ही हम लोग बॉलिंग आगे करवा रहे हैं। और ये धोनी की कैच, और ये धोनी भी जाते हुए, धोनी मार रहा है, धोनी कुछ और नहीं बोलेंगे, बच्चे का चैनल है, धोनी ने टीम की लगवाई, जड्डू भाई अब आप आखिरी पार्टनरशिप है ये, काफी स्पिनर्स की बड़ा टारगेट लक्ष्य दे दिया था, और ये 6 रन देखिए, चौका, क्लास अपार्ट। जड्डू जो कि T20 से रिटायर अभी हुए हैं, पर T10 से उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है तो वो खेल रहे हैं, और ये खींच के मारा है, पिछली बार दूर तक नहीं गई थी पर इस बार थोड़ा छक्के के लिए, और बॉलिंग में तबादला करना पड़ेगा, तबादला अगली 3 बॉल पे होगा, आप बेबी ओवर नहीं कर सकते हो। और ये जड्डू आए, जड्डू गए, ये ज्यादा उछलते थे, आप एक 80 रन पे इंडिया की 7 विकेट गिरती थी, आप ये कहते, अब आपको समझ आ रहा है 75% और 25% जो था उसमें कौन जीतता है। और ये एक ऐसा 25% वाला मैच था ये। और ये आउट, एक रन आउट होते हुए अक्षर पटेल भी गए। अब ये बुमराह, और ये अब ये पारी में कुछ नहीं बचा है मेरे को लग रहा है,
और ये बुमराह ने आगे बढ़ के कैसे मार दिया भाई। और ये आपको बुमराह के 5 छक्के याद है ना इंग्लैंड के? हाँ याद है, पर आज वो बात नहीं लग रही। अब इंडिया को 30 बॉलों में 134 रन चाहिए, आप बताइए बनेंगे या नहीं बनेंगे? बना देंगे। और ये महज 11 मिनट में मेरे को लग रहा है इनिंग समाप्त हुई हो जाएगी। एक हम दोबारा रीमैच करेंगे ताकि हम भारत को जरूर जिता पाए। और ये आपको याद है वो दिन 19 नवंबर शायद मैं क्यों भाग गया हूं? और ये एक और रन आउट, ऑस्ट्रेलिया पूरे मैच पे कब्जा करते हुए इंडिया प्रेशर में अब 86 रन पे। ये फाइनल मैच में ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कुछ तो होता है कि इंडिया सही से निकले। देखो ये मैच इंडिया ने टॉस में ही हार दिया था, अब इसमें भुवनेश्वर इसने बचा सकता है इंडिया। कुमार ने इतने रन बनाए, वो भी जितने रन बनाए उतने तो छोड़ दी मैं। और ये ये मैच खत्म होता हुआ इंडिया 87 पे ऑल आउट। कितनी शर्मनाक इंडिया की हार, पर ये मुझे बहुत दुख हो रहा है। बट आप इसको प्लीज स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट लीजिए, एक टीम जीतेगी तो एक हारेगी। ऑस्ट्रेलिया ने क्या बढ़िया खेला, एक और T5 सीरीज हम होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया वॉन बाय 132 रन, इसमें ये दूसरी टीम इंडिया जो खेल रहे थे ये एक ट्राई मैच था जिसमें आधा टाइम हमारे जो है ट्यूबर हमारे रिमोट लेके खेल रहे थे लगाने में। तो चलो गाइस अभी बाय बाय, अब अगला मैच होगा। अब आपको ये वाला वीडियो अभी आपको कैसा लगा, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, यही वीडियोस चाहिए तो और बनाते रहेंगे हम। बाय बाय।